महीने दो से। हम पंजाब नेचुरोपैथी योगा हॉस्पिटल भदौड़ डिस्ट्रिक्ट बरनाला पंजाब से बोल रहे हैं। आज हम इस बेटी को, बेटी बोला है मेरी छोटी बहन है, इसका नाम है हरविंदर कौर, इसके पति का नाम है स्वरूप सिंह, ये पिंड दौराहा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब की रहने वाली हैं। आजकल जो अमेरिका में रहती हैं, इलाज के लिए जहां आई, इसको 50 साल से कब्ज थी। 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन इसको लेटर नहीं आती थी, जिसकी वजह से इसको बहुत सी बीमारियां लग गई थी। 2 साल से इसको बिल्कुल भूख नहीं लगती थी, कुछ भी खाने को मन नहीं करता था, जिसकी वजह से 8-10 दिन के बाद लेटन आती थी। इसके पैर हर वक्त मचते रहते थे, खून इसका बहुत ही कम रहता था, शेष सांस से बढ़ता नहीं था, और इसके अलावा जो किडनी होते हैं वो भी इसका ख़राब हो चुका था, इसका लिवर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तो इतने सालों से, 50 सालों से इसने इंडिया और अमेरिका का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा होगा, मजबूरी में जो हमारे पास आई, लेकिन जब इनको पता चला हमारे पास आई तो टाइम बहुत थोड़ा था, तो हमने इनको कितने दिन में भी 6 दिन, कुल 6 दिन के लिए रख कर इसको ट्रेनिंग दी कि अमेरिका में जाकर आप ऐसा कर लें। तो 6 दिन के बीच ही इसकी कब्ज पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है। 6 महीने हो गए थे इसको एक भी रोटी नहीं खाई थी, अब मांग कर खाती है कि मुझे और दो, हम कम दे रहे हैं। तो सिर्फ 6 दिन के नेचुरोपैथी के इलाज से इतने महीनों से जो भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, अब खाना खाने के लिए मांगती हैं, अब चलती फिरती भी हैं। पहले से सभी बीमारियाँ इसके ठीक हो चुके हैं, पैर मचते थे पहले, अब भी मचते हैं लेकिन बहुत कम मचते हैं। हमने इनको मिट्टी से, पानी से, धूप से, हवा से, चुंबक से, रेकी से, योगा से इसका इलाज भी किया और इसको ट्रेनिंग दे दी गई, और उस ट्रेनिंग की वजह से ये सिर्फ 7 दिन में इतने सालों की गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाना शुरू हो चुका है। हिम्मत वाली बात यह है कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी और इतनी लंबी बीमारियों के होने के बावजूद भी ये डेली सैर करती है, डेली योगा करती है और पूरा मस्ती में रहती है। इनके इस बिहेवियर को देखकर सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि बीमारी कितनी भी हो, उम्र कितनी भी हो, अगर व्यक्ति दलेर है तो बीमारी का पीछा छूटता ही छूटता है, जैसे इस मेरी बहन का छूट चुका है। तो बेटा, जो मैंने बोला है इसमें सच झूठ वो आप अपने व्याख्यान से करें। हाँ जी, जो डॉक्टर साहब ने कहा है उसके मैं प्रोड़ता कर दी हूँ, क्योंकि मैं बहुत चिर तो डॉक्टरों के, कोई डॉक्टर लुधियाने का नहीं छड़िया, जो इलाज ना कराया हो मैंने एंटीबायोटिक्स दे दे मेरा सारा शरीर खत्म कर दिता सी, भुख नहीं सी लगती, कब्ज नहीं सी, कब्ज हो गई सी। तो हुण मैं आईपैड के जरिए, मैं एक दिन डॉक्टर साहब की वीडियो देखी तो मेरे मन च कुछ आया भी चलो जे जिंदगी है तो ये भी करके देख लीए। तो जद ही मैं एक दिन पहला मैं पता लग्या, जद ही मैं लेके अपने हसबैंड को इत्थे आई भी चाहे मरा चाहे जम्मा पर एक बार मैं डॉक्टर साहब के दर्शन जरूर करूँगी, तो उत्थे जाके, क्योंकि मेरे को दिन बहुत थोड़े सी, इस करके टिकट भी मैं ले चुकी सी, तो जे टिकट मुड़ती होंगी तो मैं मोड़ भी देनी सी। सो इसलिए इत्थे आके मैं 6 दिन जो भी इन्होंने मैं प्रैक्टिस करवाई है वो मैं करती रही हाँ। तो परमात्मा अगे दुआ करती हाँ भई मेरी भी इज्जत रह जाए, डॉक्टर साहब की भी इज्जत
नाल ही मेरे हो जाए, क्योंकि मैं आस है कि इन्हों को रह के इन्हों का इलाज करा के मैं पूरन ठीक हो जावगी। बाकी बीमारियां डॉक्टर साहब ने तुम दस ही दतिया ने, किसी भी बीमारी कोई कमी नहीं हैगी। इन बीमारियां से मैं समझ नहीं सी आती कि मैं इन्हों का विख्यान किमें करा। तो सो परमात्मा मैं इन्हों की लंबी उम्र की दुआ करती हूँ कि इस तरह ही यही इलाज करते रह सारे का भला हो जाए। ठीक है बेबे, ठीक है, चंगा मेरे सिर ते।